कैसे हैं जरूर बोलिएगा। रावी आज का दिन है बृहस्पतिवार, तो सुबह सुबह उठ गए हम लोग। सुबह माने 7:30 तक उठे, फिर किचन विचन थोड़ा साफ किया, चाय बनाया है, तो अभी चाय पी रहे थे। उसके बाद मैंने आपके लोगों के साथ बात करना शुरू किया है, तो वीडियो 2-3 दिन से मैंने बनाया नहीं। थोड़ा तबीयत ठीक नहीं जा रहा था, गड़बड़ जा रहा था, तो दिल भी नहीं कर रहा, तो आज से शुरू कर रही हूँ। आज शायद एक रेसिपी जाएगा, क्योंकि रेसिपी जा रहा है, ब्लॉग बना नहीं पा रही हूँ। और तो आज से ब्लॉग का यहाँ शुरू किया, और पंखा चल रहा है ऊपर, और घर का थोड़ा बहुत काम करेंगे, वही सब आप लोग के साथ शेयर करेंगे। ब्लॉग बनाने के लिए भी कहीं बाहर और जा नहीं रहे, क्योंकि जानते हैं कोरोना वायरस सुनते रहे, न्यूज़ में बढ़ रहा है, ये सब है, तो डर तो लगता है अपना आपको, तो बाहर थोड़ा कम ही जाना होता है। तो आप लोग भी कम ही जाइए और घर में सेफ रहिए, यही चाहती हूँ। और मिलते हैं थोड़ी देर में, काम चाम करें। तो गाइज, नाश्ते में आज बना रही हूँ मैं दलिया। देखिए, दलिया में मैंने दाल लिया है, मसूर का दाल, मूंग का दाल थोड़ा सा मिक्स किया, और इधर बीन्स गाजर ये सब काट लिया था। और देखिए, कुकर में इसको हम छोंक लगा देंगे। देखो हमारा दीप कहाँ खड़ा है, दिख भी नहीं रहा है, खिड़की में बैठ के और गाजर को छांट छांट के खा रहा है। देखिए, सब छांट दिया है और खा रहा है, इसीलिए वो जल्दी से बीमार पड़ जाता है। तो गाइस, अभी नहा के आ गई, पूजा भी हो गया मेरा, और सुबह दलिया बनाया था, तो अभी नाश्ता कर लेती हूँ मैं। अभी टाइम हो रहा है 11:30 पूरा, और तो नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद खाना पकाना है अभी, तो चलिए। ये मैंने लिया है दलिया, वही सिंपल, बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए, तो ये दलिया आज खाएंगे नाश्ता में। सब हो गया, मेरा ही नहीं हुआ, सबका हो गया है। तो चलिए अभी मैं नाश्ता कर लेती हूँ, फिर आपको मिलेंगे, फिर खाना क्या पकाती हूँ देखती हूँ। आज तो हम लोग वेज खाते हैं। देखिए, यहाँ खा लेती हूँ नाश्ता, फिर अभी बहुत काम है, और गर्मी भी हो रहा है, पंखा भी बंद रखा है मैंने। ये पंखा चलता है ना, बहुत जोर आवाज़ हो जाता है, तेज आवाज़ आता है, और ये वाला पंखा भी चलाते हैं हम लोग, क्योंकि एक पंखा में अगर हम लोग ये करेंगे तो दोनों में फूकने जाने का डर रहता है, तो बड़ा वाला पंखा दोपहर को चलाती हूँ मैं, ये वाला, और ये वाला अभी चलता है सुबह से, फिर रात को भी चलता है ये। तो पंखा अभी बहुत ख़राब हो जा रहा है, नीचे का घर का मेरा पंखा ख़राब हो गया है एक, तो ठीक करना है उसको भी। तो चलिए अभी नाश्ता कर लेती हूँ, फिर थोड़ी देर में मिलती हूँ आप सबसे। तो गाइस, नाश्ता होने के बाद यहाँ मैं खाना पका लिया, चावल बन गया है मेरा, तो यहाँ मैं पापड़ का सब्जी बना रही हूँ, और आलू बॉयल किया है, उसके साथ खा लेंगे हम खाना। तो इस तरह फ्रूट आ गया था, तो फ्रूट ले लिया, और ये देखिए पापड़ का सब्जी बन के रेडी है। तो हे गाइस, फिर आ गई मैं, खाना उना हो गया, तो आप लोगों से थोड़ा सा बातचीत क्यों ना किया जाए, इसलिए आई। और आज तो जैसे आप लोग देखेंगे कि ब्रेकफास्ट करा, उसके बाद मैं खाना बनाने था, कढ़ी चावल बनाने वाली थी, मगर दिमाग से ऐसा खबर सुना है कि दिमाग को पूरा हिला दिया, मैंने हिला दिया, मैंने बहुत ही ज़ोर से हिलाया। मैं अपना छोटा लड़की से कुछ बात कर रही थी, करते करते बड़ा लड़की नहीं थी, कहीं गई थी, तो आई आके बोला, माँ एक खबर सुने। क्या खबर है ना? तो सिद्धार्थ शुक्ला जी हैं जो इस दुनिया में नहीं रहे। बाप रे, मैं तो सुन के, मैं सच में 1-2 सेकंड में कैसे हो गई थी। तो बच्चे लोग बोले, पता नहीं अचानक सुने, हम भी शोक में हो गए, तो मैं भी शोक में हो गई। कैसे, 2-3 सप्ताह पहले हम लोग शो में देखे शायद उनको, जैसे बिग बॉस में आए थे, डांस दीवाने में आए थे, और कितना अच्छे बात फिट थे, तो कुछ नहीं लग रहा था कि उनका तबीयत कुछ खराब है या कुछ ऐसा, कुछ लग नहीं रहा था। अचानक एक इंसान कैसे चले गए, दिल को ये लगा बहुत, कुछ भी हो सकता है इस दुनिया में गाइस। तो दिल खुश करके रहिए, सबसे मिलजुल के रहिए, कब मृत्यु आ जाए कोई नहीं बोल सकता। आज मैं यहाँ बैठी हूँ, हो सके कल मैं यहाँ नहीं भी रहूँ, ये कुछ बोला नहीं जा सकता है। इंसान का अभी कोरोना, फिर कभी हार्ट अटैक, माने कैसे कैसे लोग मर जा रहे, सुन रही हो, हार्ट अटैक से मर गए हैं वो, जो भी अभी तो पूरा खबर आया नहीं है। तो ये चीज़ बात आप लोगों से शेयर करने का दिल किया, तो मैंने थोड़ा सा किया, तो और कुछ बोलने के लिए नहीं है अभी।
तो वीडियो को रखती हूँ अभी, देखिए शाम को मिलते हैं कुछ। सच में दिल को बहुत ही आघात लगा, क्या बोलूँ ये सब चीज। चले मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो गाइस सीधा शाम को मिल रही हूँ, यहाँ बनाई हूँ मैं कढ़ी। कढ़ी बना रही हूँ, पकौड़ा बना चुकी हूँ और कढ़ी की रेसिपी देखिए इस तरह से थोड़ा सा शेयर किया। तो आज की वीडियो मैं यहाँ ही एंड करती हूँ। थोड़ा सा भी अच्छा लगे एक लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।